जब देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान और सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। ये एक तरह से तिरंगे के नए दौर की शुरुआत है। बता दें कि इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। इसी अभियान के तहत सखी मंडल की महिलाएं तिरंगा निर्माण में लगी हुई हैं। कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्र ध्वज के निर्माण में जुड़ी इन महिलाओं के जज्बे और हुनर की तारीफ हर तरफ हो रही है। इन महिलाओं की चाहत है कि उनके द्वारा बनाए गए तिरंगे को देश के प्रधानमंत्री और बॉर्डर पर तैनात फौजी भाई स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराएं। हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है कि अमृत महोत्सव में हम लोग को तिरंगा झंडा बनाने का मिला है। हम लोग का चाहत है कि बॉर्डर पर खड़े सिपाही भाइयों सब मिलकर झंडा फहराएं और प्रधानमंत्री तक को भी ये झंडा पहुंचे, वहां भी फहरे, हर जगह पे हम लोग का बना हुआ झंडा फहरे। हम लोग का अमृत महोत्सव में 75वां साल मन रहा है, घर घर में फहरे और हर जगह पर पहुँचे बॉर्डर पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत JSLPS के माध्यम से राज्य भर में 10 लाख तिरंगा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव निशान देव ने बताया कि रांची स्थित ट्रेनिंग कंप्यूटेशन सेंटर से लगभग 5 लाख तिरंगा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के लिए महिलाओं को पहले प्रशिक्षण दिया गया, उसके बाद उन्हें निर्माण कार्य से जोड़ा गया है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो ये हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया गया है, इसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये जो रांची में आप जहां है ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, यहां हम लोग लगभग 4 से 5 लाख झंडा का निर्माण हम लोग कर रहे हैं और अतिरिक्त झंडा जो है हमारे झारखंड के अन्य ज़िलों में जहां ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर है वहां की सखी मंडल की दीदियां इसको निर्माण कर रही हैं। इस झंडे का निर्माण करने हेतु उन्हें पहले ट्रेनिंग दिया गया जो कि 3 से 4 दिन का था, कि इसका झंडे का निर्माण कैसे, किस अनुपात में करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग के पश्चात सारी दीदियां इन झंडे के निर्माण में लग चुकी हैं और हमें इतने कम समय में करीब 10 लाख झंडा का निर्माण हमें करना है। अमृत महोत्सव वर्ष के तहत देश और देशवासियों के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाला वह पल होगा जब हर घर तिरंगा शान के साथ फहराया जाएगा। झारखंड में इस पावन पर्व की शुरुआत 12 अगस्त को राज्यपाल के हाथों होगी। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट।